नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के साथ, जहां बारिश से भारी तबाही की खबरें आ रही हैं। पिथौरागढ़ और चमोली में बादल फटने से भारी जनमाल का नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जो आकर 18 हो चुका है। पिथौरागढ़ में 8 लोग आसमानी आफत की चपेट में आकर दम तोड़ चुके हैं, जबकि चमोली में भी 9 लोगों की मौत बताई जा रही है। पिथौरागढ़ में मलबे में अब तक 30 लोगों के फंसे होने की आशंका है। उत्तराखंड में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। एनडीआरएफ की टीमें वहां पर भेज दी गई हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं तस्वीरों में, तीन तस्वीरें चमोली पिथौरागढ़ की, जहां पर इस वक्त बादल फटने से तबाही का मंजर है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई घर बह चुके हैं, कई लोग बेघर हो चुके हैं और कई लोग अपनी जान बचाने के लिए छतों पर चढ़ चुके हैं। लेकिन प्रशासन का ये दावा है कि पहले से अलर्ट जारी किया गया था, लोगों से घर छोड़ने के लिए कहा गया था। ये बताया गया था कि ये जो वक्त है, इसमें भारी बारिश से तबाही मच सकती है। चमोली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से वहाँ पर सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। घर वहाँ पर बह चुके हैं, कई घरों में पानी आ चुका है और सड़कों पर भी पानी आने की वजह से लोग अपने घरों में ही फंस गए हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की भी आशंका जताई जा रही है। जिस तरह से लगातार वहां पर पानी बरस रहा है, मौसम विभाग ने भी आशंका जताई है कि अगले 48 घंटे वहां पर बारिश जारी रहेगी और राहत और बचाव काम शुरू हो चुका है। ये बद्रीनाथ की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां पर किस तरह से सड़क से संपर्क टूट गया है, सड़क पूरी तरह से नष्ट हो गई है। लगातार बारिश होने की वजह से वहां से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, ताकि किसी तरह से जो जनजीवन प्रभावित हुआ है उसे दोबारा पटरी पर लाया जा सके। बादल फटने से अब तक 18 लोगों की मौत बताई जा रही है। लेकिन ये बद्रीनाथ की जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं कि हाँ, एक तरफ तबाही की तस्वीरें मौजूद हैं और दूसरी तरफ राहत और बचाव का काम भी किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग, जहां पर जल स्तर लगातार बढ़ रहा है नदी का, जिसकी वजह से हाई अलर्ट वहां पर जारी किया गया है। प्रशासन की ओर से भी अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था। चार तस्वीरें आपके सामने, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और साथ ही बद्रीनाथ की, जहाँ पर लगभग एक जैसा ही दृश्य है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और घरों तक ये पानी अब पहुँच चुका है। बादल फटने से कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। आंकड़ा बताना भी मुश्किल हो रहा है कि आखिरकार कितने लोग प्रभावित हुए हैं इस तरह से वहां पर जल प्रलय से। नदियों में उफान, घरों के बगल में खौफ का शोर मचाती नदियां, बारिश में टूटे मकान और छतों पर चढ़े लोग, ये मंजर है देवभूमि उत्तराखंड का, जहां एक बार फिर मौसम ने करवट बदली तो जान और माल पर बनाई। कहीं बादल फटा तो कहीं जमीन धस गई, कहीं घर बह गए तो कहीं मवेशी और गाड़ियां। मौसम का सबसे ज्यादा कहर चमोली और पिथौरागढ़ में देखने को मिल रहा है। जहां बादल फटने से लोगों के मरने की खबर आ रही है, वहीं बहुत से लोग लापता हैं। सरकार राहत कार्यों में जुटी है। कई लोग पिथौरागढ़ में बड़ा हादसा हुआ है और अब भी बहुत सारे लोग दबे हुए हैं। SDRF रवाना कर दी गई है, ITBP भी रवाना कर दी गई है, पुलिस फोर्स नजदीक के सब पहुंचा दिए गए हैं, स्थानीय स्वयंसेवक भी उस काम पे लगे हुए हैं। ये भारी वर्षा के कारण जो मलबे आने की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं, ये चिंता का कारण है। कई इलाके में यातायात पूरी तरह से ठप हो चुका है, वहीं मोबाइल ने काम करना बंद कर दिया है। रुद्रप्रयाग में भी बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। अलकनंदा नदी उफान पर आ गई है। रुद्रप्रयाग के बेलनी में पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है और कई परिवार घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। पानी का उफान इतना ज्यादा है कि केदारनाथ हाईवे पर बने पुल पर भी खतरे के साए मंडरा रहे हैं। मौसम विभाग ने 30 जून से 2 जुलाई तक नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की चेतावनी दी थी। मौसम विभाग की सलाह पर शासन ने प्रभावित जिलों में NDRF, SDRF को भी सतर्क कर दिया है। चार धाम यात्रा के साथ साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा पर शासन ने आपदा और प्रबंधन में लगे विभागों को अलर्ट कर दिया है।
इस समय जहां चार धाम यात्रा पर हजारों भक्त मौजूद हैं, वहीं कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी चार दल मौजूद हैं, जिनमें से दो जहां भारतीय सीमा पार कर नेपाल पहुंच चुके हैं, वहीं यात्रियों के दो दल अभी भारतीय सीमा में ही हैं। ऐसे में कई इलाकों में हेलीकॉप्टर भी तैनात कर दिए गए हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान यदि सही साबित हुए तो सूबे में मानसून इस बार रिकॉर्ड तोड़ देगा और ऐसे में भूस्खलन की घटनाओं में बढ़ोतरी तो होगी ही, साथ ही नदियों में भी उफान देखने को मिलेगा। आज तक ब्यूरो। और ज्यादा जानकारी के साथ दिलीप सिंह राठौड़ हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, ताजा हालात वहां पर क्या है, क्योंकि 18 इस वक्त मरने वालों का आंकड़ा बताया जा रहा है, लेकिन ये और बढ़ भी सकता है क्योंकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। नेहा, देखिए, करीबन 25 से 30 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है पिथौरागढ़ में। अभी आंकड़ा 18 हो चुका है, 9 चमोली में हो चुके हैं और 9 ही बॉडीज जो हैं वो यहाँ से रिकवर की गई हैं पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ के डीडी हाट के पास से रिकवर की गई हैं। इसके अलावा ये एक जरूर है कि पिछले 72 घंटों के जो अलर्ट जारी किया गया था उसको देखते हुए पहले से ही कुछ टीम SDRF की वहाँ रवाना कर दी गई थी DMs के थ्रू। बाकी अभी मौके पर SDRF की टीम पहुंचने वाली है और इसके बाद में मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी। अभी फिलहाल जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट हैं वो मलबे से लोगों को निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप इस तमाम जानकारी के लिए आपका। दिलीप सिंह राठौर जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अलर्ट पहले से ही जारी कर दिया गया था। रुद्रप्रयाग की तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वहां पर इस वक्त अलकनंदा नदी पूरे उफान पर है, जलस्तर बढ़ चुका है और लगातार प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि जो लोग इस नदी के आसपास रहते हैं वो अपने घरों को छोड़ दें, क्योंकि आने वाले वक्त में जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 48 घंटे लगातार बारिश हो सकती है जिससे नदी का जलस्तर और ज़्यादा बढ़ सकता है।